मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनिल कुमार, कल आपको सूचित किया था जो आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने हेतु हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। आशा करता हूं जो मैं आपको बताए गए निर्देश, बताए गए अपनी सारी बातों को आपके समक्ष रखने हेतु आज फिर से मैं ऑनलाइन आया हूं और मेरा यह वीडियो जो है अभी से अपलोड होने जा रहा है। मैं आज आपकी 12वीं क्लास का रेनबो पार्ट 2 सिलेबस बुक और टेक्स्ट बुक जिसे आप कहते हैं उनका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। आपके क्लास में जहां तक आपकी सिलेबस आगे चले गई थी उससे जस्ट आगे का टॉपिक लेकर मैं आया हूं। आपके रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन का नाम है आपका प्रोज सेक्शन और दूसरे सेक्शन का नाम है आपका पोएट्री सेक्शन। आप सभी को क्लास के दौरान हमने बताया था जो पोएट्री सेक्शन प्रोज सेक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है क्योंकि यहाँ पर वर्ड अपना डिफरेंट मीनिंग देते हैं, जिनके कारण से हमने पोएट्री सेक्शन को ही पहले पढ़ाने का प्रयास किया ताकि आप इसको बार बार रिवीजन कर सके, बार बार इनको पढ़ सके और आए गए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करके अपनी सारी प्रॉब्लम को हमसे समय रहते दूर करवा सके, ताकि अपकमिंग 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। गत वर्ष यानी बीता हुआ वर्ष जो 12वीं का बैच समाप्त हुआ था और उनका 2021 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका है, सभी बच्चे को रिजल्ट भी मिल चुका है। आप सभी बच्चे को हम फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के द्वारा लाए गए मार्क्स, लाए गए हाईएस्ट मार्क आपको उनके रोल नंबर, उनके मार्कशीट के द्वारा हम अपने आईडी से अपलोड किए थे और ढेर सारे स्टूडेंट ने उन्हें देखा, सराहा और सही बातों से अवगत हुआ था। इस वर्ष अनिल इंग्लिश क्लासेस से 96 हाईएस्ट गया था जिनका रोल नंबर और मार्कशीट दोनों हम अपने आईडी से पोस्ट किए थे और मार्क्स को भी स्टोर किए थे। आशा करेंगे जो इस वर्ष जो 12th का नया बैच बना था जनवरी में उनका जो एग्जामिनेशन बोर्ड हो उनमें हमारे बच्चे 96 को क्रॉस करके आगे बढ़े। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ दिन इंतजार करने हेतु ऑनलाइन क्लासेस देने की शुरुआत की है ताकि हमारे बच्चे घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। उसी दौरान आइए हम आप सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको सिलेबस से अवगत कराते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मेन बैच जो फेस बैच था 12th का उसमें हमने सारे सिलेबस का जिक्र कर ही लिया है। आइए आज जो बुक सेक्शन आपका रेनबो पार्ट 2 जो आपकी सिलेबस बुक है उनमें 2 सेक्शन अभी फिर हमने जिक्र किया था और उनमें एक सेक्शन जो आपका पोएट्री सेक्शन है, इस सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चौथा आउट टू आउट मन, पांचवा एन ईपी थे, छठवा द सॉल्जर, सातवा मेगाविनी द मिस्ट्री कैट, आठवा फायर हाइम, नौवा स्नैक और 9 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके थे। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का डिस्कशन करते हुए
आपको पूरी तरह से हम समझा चुके थे। आज उसी टॉपिक का अगला टॉपिक यानी दसवां टॉपिक और इस सेक्शन का अंतिम टॉपिक माय ग्रैंड मदर्स हाउस हम पढ़ाने जा रहे हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इस चैप्टर को भारतीय लेखिका, लघु लेखिका एवं कवियत्री कमला दास ने इन्हें रचित की है और यह मूल रूप से हमारे भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। यह चैप्टर दादी माँ की घर, मेरी दादी माँ का घर यानी दादी का घर का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर को, चैप्टर का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ जो आपके सिलेबस बुक के फर्स्ट पेज में दिया रहता है। लाइन बाय लाइन करके हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं, फिर जाके हम पोएम सेक्शन पर जाएंगे और पोएम सेक्शन को भी समझाएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक इन्हें सुनेंगे। आप यूट्यूब से देखने वक्त हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं समय बीतता चला जा रहा है और हो सकता है तो क्लास में इसे दोबारा पढ़ाने का मौका ना मिले, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। और यदि दोबारा पढ़ाने का रिक्वेस्ट भी आता है तो हम इन्हें एक्स्ट्रा क्लास के रूप में देंगे, आपको दोबारा आना पड़ेगा इसको पढ़ने हेतु, आपका बेस्ट टाइम छोड़ के अलग टाइम में आना पड़ेगा। यदि आप दोबारा आने से बचना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे। आप इसे पोज करके सुन सकते हैं, इसको रोक रोक के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और समझने के देखने के दौरान किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप पर अपना प्रॉब्लम कॉपी पर लिखकर, फोटो खींचकर सेंड करें या कमेंट में लिखें। हम अगले वीडियो में सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे, फिर अपना अगला वीडियो देंगे। आइए, इसमें दिया गया है कमला दास बोर्न मार्च 31, 1934। यानी कमला दास जो कवित्री है इनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को हुआ था 31 मार्च 1934। आप जानते हैं जो इस जगह जन्म और हाइफ़न के साथ मृत्यु दिया रहता है, लेकिन जब इस पुस्तक की प्रकाशन किया गया था तो इनकी डेथ नहीं हुई थी, जिनके कारण से इसकी डेथ यानी मृत्यु का विवरण नहीं दिया गया। तो मेनली हमें इसका जन्म को याद रखना है, 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट यानी कि ये कवि थी, कवि जो कविता को लिखते हैं उसे कवि कहते हैं और स्त्री है तो कवित्री कहते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और ये लघु कहानीकार थी, लघु कहानी यानी छोटी छोटी कहानी को लिखा करती थी, उसी को लघु कहानीकार कहते हैं। हैज अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कह रहा है जो यह अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाएं में एक आदर, एक सम्मान, एक इज्जत जो है दोनों में अर्जित की थी। यानी जितना इन्हें अंग्रेजी में आदर दिया जाता था, आदर सत्कार मिलता था, सम्मान मिलता था, सेम उसी तरह से इन्हें मलयालम भाषा का भी बहुत अच्छे जानकार माना जाता था और दोनों भाषाओं में ये सम्मान को हासिल की थी। मुख्य रूप से यह जो है आपको केरल की रहने वाली है, भारत का एक राज है केरल और वहां की रहने वाली है और वहां का नेटिव लैंग्वेज जो होता है यानी मातृ और लोकल जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं वह मलयालम है, इसलिए ये मलयालम भाषा की भी जो है अच्छी जानकार थी। अंग्रेजी एवं मलयालम साहित्य दोनों जगहों पर, दोनों स्थानों में इन्हें सम्मान मिला था। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 कह रहा है इनका आत्मकथा, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी और यहाँ दिया हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल
मतलब आत्म तथा आत्म जीवनी यानी स्वयं की जीवनी। इसने सन 1976 ईस्वी में इनका जीवनी को क्या किया गया, प्रकाशन, पब्लिश मतलब प्रकाशन किया गया। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टील, क्रिएटेड क्वाइट ए स्टील, क्वाइट मतलब होता है अत्यंत या पूर्णतया, स्टील मतलब होता है उत्तेजित करना या खलबली ला देना। तो इसकी आत्मकथा जो था वह एक तरह से पूर्ण रूपेण खलबली सा ला दिया था, यानी इनकी जीवनी को पढ़कर लोगों के अंदर खलबली सी आ गई थी। खलबली करने का अर्थ है हलचल सा ला दिया था, उन्हें उत्तेजित कर दिया था अपने जीवन में आगे बढ़ने हेतु। जितनी प्रकार की संघर्ष को देखते हुए, संघर्ष का सामना करते हुए ये जीवन में आगे बढ़ी है, तो इनकी जीवनी को देखकर अन्य लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, उपन्यासकार एवं सामान्य जन काफी उत्तेजित हो गए थे। इन 1984 ईस्वी में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कह रहा है जो इन्हें जो है 1984 ईस्वी में साहित्य क्षेत्र में, साहित्य जगत में नोबेल प्राइज के लिए एक संक्षिप्त लिस्ट में, सूची में शामिल किया गया था। यानी उस बार नोबेल प्राइज जो है बहुत कम लोगों को मिला था, इसलिए सूची जो थी उनकी बहुत ही कम थी, और उस कम वाली सूची में इनका नाम भी शुमार हुआ था, और उस नोबेल प्राइज की ये भी हकदार बनी थी और प्राइज को जीती थी। आइए आगे देखते हैं। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963, सायरेंस 1964, द रेसिडेंस 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। अभी कुछ मैंने इनकी वर्स, वर्स समझते होंगे आप लोग, कई बार मैंने वर्स का जिक्र भी किया है। वर्स मतलब होता है कविता, या तो उसको पद्य भाग, जैसे हिंदी में पद लिखा होता है, पाद भी उसको हम बोलते हैं, वही वर्स का हिंदी होता है। तो इनकी कविता जो कुछ महत्वपूर्ण कविता जो है, जो लोगों के द्वारा काफी सराहा गया, लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया, उस कार्य को शामिल किया गया है, जिनका नाम इससे पहले मैंने इसी के साथ साथ बताया। फर्स्ट जो था समर इन कोलकाता, जो 1963 ईस्वी में इसने प्रकाशन करवाई थी, साइरेंस 1964 में, द रेसिडेंस 1967 यानी 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये दोनों को 1973 में प्रकाशन किया गया था। द एनामेटन पोएम्स 1985, ओनली सेंट नॉर्थ हाउ टू सिंग 1996 में, एंड यस अल्लाह 2001 में। यानी 2000 इस किताब में जो इनकी अंतिम कार्य को शामिल किया गया है, अंतिम इनकी कविता को जो शामिल किया गया है वह है यस अल्लाह, जिसे 2001 ईस्वी में प्रकाशन करवाया गया था। आइए आगे देखते हैं। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लॉन्गली हार्ट। कह रहा है इनकी कविता जो मुख्यतः यानी मुख्य रूप से जो आधारित होती थी वह होता था आत्मकथा यानी आत्मजीवनी, इसी की जीवनी पर ये ज्यादा लिखा करती थी, जीवन से संबंधित बातों को ज्यादा लिखी करती थी, एवं उस कविता या आत्मजीवनी का मुख्य विषय वस्तु होता था जो एक सोना दिल में प्रेम को दर्शाने का, यानी एक जो सोना दिल है, एक जो अकेलापन होता है दिल में लोगों को, लोगों के अंदर जो अकेलापन का महसूस जो होता है, उस दिल में प्रेम को जगाना, उस दिल में व्याप्त, उस दिल में पहले से उपस्थित प्रेम को अपने कविताओं के द्वारा
इन्हें ये दिखाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, इसने बताई जो प्रेम एक ऐसा शौकिया है, प्रेम एक ऐसा कार्य है जो कभी समाप्त नहीं होता है, नेवर, इनका कभी समाप्ति नहीं होता है। और आप लोग भली भांति सुनते आए होंगे, अब आप लोग भी सीनियर क्लासेस में अध्ययन कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ में अध्ययन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बातें आप लोगों को बहुत सारी सुनने को मिली होगी, और नहीं भी सुनने को मिली होगी तो कहीं ना कहीं इस लेखिका के द्वारा या कवित्री के द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है तो यह कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं। लस्ट, ग्रीड एंड हंगर, डेड डेथ नेवर सेटिएट, कह रहा है लस्ट, लालसा, आकांक्षा, चाहत, तृष्णा, ग्रीड, लालचीपन, तृष्णा जिसको कहते हैं, हंगर जिसको भूख कहते हैं, ये कभी जो है आदमी का संतुष्ट नहीं होता, यानी कभी आदमी का ये पूर्ण नहीं होता है। ये तीन चीज की जो भी व्यक्ति आशा रखते हैं उसे अपने जीवन में और संतुष्ट होना पड़ता है, उन्हें कभी भी ये चीजों की भरपाई नहीं हो पाती है। थोड़े दिनों के लिए होती है, फिर से उन्हें ये आदत सी, लत सी लग जाती है जो फिर से इन्हें वह मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिस मोड़ से उसने शुरुआत की थी इन चीजों की। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कलासी इज नॉन फॉर सेक्सुअल सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, कारा ये लैंगिक वाली बातों को, लैंगिक समझते होंगे, सेक्स से सेक्सुअल बना है, सेक्सुअल वाली बातों के प्रति साहसिक कार्य को ये अपने कविताओं में, अपने कविता, अपने पद में, अपनी बातों में, अपनी अन्य पुस्तकों में लिखा करती थी। यानी औरत के प्रति मुख्य रूप से कहने का अर्थ ये है जो यह औरत के प्रति जो सेक्सुअल वाली बातें जो आती है उनके प्रति ये आवाज उठाई थी, उनके प्रति ये साहसिक कदम उठाई थी जो नारी जगत पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। ये भारत देश जो है यहाँ पर स्त्रियों का सदियों से इज्जत किया गया है, सदियों से यहाँ पर औरत को मान सम्मान मिला है। इन्हीं बातों को इसने अपने कविताओं में एक थीम बना के रखी थी, यानी मुख्य विषय वस्तु बनाकर रखी थी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, कह रहा है लव जो होता है, प्रेम जो होता है, कितना भी अधिक क्यों ना हो, यदि आदमी के मन में लस्ट, लालसा आ जाता है, तृष्णा आ जाता है, लालचीपन आ जाता है, तो वह जो है इन्हें नोसिया, रिच इवन रिचेस द पॉइंट ऑफ नोसिया, कह रहा है यह इसे नोसिया के पॉइंट पर, नोसिया के बारे में आप लोगों को पता होगा जिस तरह से किसी भी बात को हम बार बार सुनते हैं तो उनसे उब जाते हैं, उबाई हो जाती है हमारी, थोड़ा सा बोरिंग जब हमको लगने लगता है। देखते होंगे जब हम ही शिक्षकगण आप लोगों को पढ़ाने के दौरान एक ही बातों को बार बार बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का ध्यान जो है टीचर के उन बातों से हट के इधर उधर जाने लगता है, यानी उबाऊ सा उन्हें महसूस होने लगता है, उन्हें ये बातें फालतू सी लगने लगती है। उसी प्रकार से कह रहा है जब सेक्स, प्रेम में जब सेक्स वाली बातें आ जाती है, लस्ट वाली बातें आ जाती है, ग्रीड वाली बातें आ जाती है, तो वह इन्हें जो है समाप्त कर देती है, इन्हें नष्ट कर देती है। आगे देखिए, एंड इज रिबोर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू वैगोर, कह रहा है जो पुनः जो है जब लोग उबाऊ हो जाते हैं, आप देखते होंगे जब एक ही खाना बार बार खाते हैं तो उस खाना से कहीं ना कहीं दिलचस्पी, कहीं ना कहीं वह उत्साह समाप्त हो जाता है, तो कह रहा है लेकिन यदि कुछ दिन का फिर अंतराल हो जाए तो फिर से हम नई प्रकार से, नई उत्साह से, नए ढंग से, नए तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो वही कह रहा है
जो इज रिबॉर्न यानी इन्हें इनका जो पुनर्जीवित जीवित होता है या पुनः जो उजागर होता है बार बार उजागर होता है विथ न्यू थायराइड। थायराइड के बारे में हम आपको बताए होंगे, थायराइड मतलब होता है उत्साह या फुर्ती, यानी हम लोग जो है पुनः इनको पुनर्जीवित करते हैं अपने उत्साह से, अपने रुचि से, अपनी लालसा से, अपनी तृष्णा से, इन्हें क्या करते हैं पुनः बार 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 पुनर्जीवित करते हैं। आगे देखिए, करे कमला दास रिवेल से कमन डेवल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिद्म। कह रहा है कमला दास जो कवित्री हैं, जो इसने कविता को संपादित की है, उनका उनका जो है इस फ्रेज पर, जिसको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं या चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं, उस चरित्र चित्रण पर काफी पकड़ था, काफी मजबूत था, काफी इन पर इनका नियंत्रण था। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण था। किस पर नियंत्रण था? तो अपनी राइटिंग पर, अपनी सामंजस्य, कविता लिखने में जो तालमेल बैठती है, कविता को जो अरेंजमेंट की जाती है, अपनी बातों को रखने की जो कला होती है, लिखने की जो कला होती है, उनको उन पर काफी नियंत्रण था, काफी पकड़ था, काफी मास्टरी था। मास्टर से बना मास्टरी शब्द, यानी उस पर मजबूती पकड़ था इनको। आगे देखिए, द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द राइटिंग इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट वेयर्सली अलाइव। कह रहा है जो द वर्ड्स आर ऑफन, ऑफन नहीं, यहाँ पर टी साइलेंट होता है इसलिए लिखा जाता है ऑफन, और हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑफन। कह रहा है जो शब्द जो है इनके प्रायः, इनके शब्द जो है वह प्रायः जो है क्या होता है पेंटेड। तो पेंटेड के बारे में हम आप लोगों को इससे पूर्व भी बताए थे, जो जिस तरह से अभी आपने देखा था चरित्र चित्रण का आपने नाम सुना था, यानी चित्रों के द्वारा या उनके चरित्र को मुख्य विषय वस्तु बनाकर जब बातें बताई जाती है तो उसी बातों को जो है चित्रांकित रूप में दर्शाया जाता है। चित्रांकित यानी कुछ कवियों का, कुछ कवित्रियों का अपने बात रखने का जो अंदाज था वह हटके था। हटके कहने का अर्थ है जो बहुत सारे कवि ऐसे होते थे जो अपने बातों को प्रस्तुत करने हेतु कुछ तस्वीरों को भी अपनी कविताओं के साथ डालते थे, जिससे कि हम जैसे रीडर पढ़ने वाले को उस बातों को समझने में काफी आसानी होती थी, ताकि हम लोग उनकी बातों को फिगर के द्वारा भी समझ सके, चित्रों के द्वारा भी समझ सके। तो कहने का अर्थ है जो इनका शब्दों पर जो सामंजस्य था, तालमेल जो था, वह काफी चरित्र चित्रण वाली बातों को आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय या अस्तित्व में बनाए रखने का था, यानी उसको आजीवन याद रखने योग्य बनाया जाता था, काफी अस्तित्व में बनाए रखा जाता था। ये था आपका अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएम। इनके बाद से आपकी कविता प्रारंभ होती है माय ग्रैंडमदर हाउस की, कुछ पंक्तियां दी गई है, उस पंक्तियां को हम आपको 2 मिनट में फिर से बताने जा रहे हैं। 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको इस कविता को आगे हम फिर से बताएंगे। धन्यवाद, 2 मिनट इंतजार करें।